How to transfer hamster coin Tonekeeper wallet to Binance exchange. आज की वीडियो में हम Tonekeeper से Binance में Hamster Kombat टोकन ट्रांसफर करने का तरीका सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारा एयर ड्रॉप जो है वो लोगों ने Tonekeeper में रिसीव किया है. तो चलिए देखते हैं किस तरह से हैमस्टर ट्रांसफर कर सकते हैं Binance exchange में. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. बहुत ही सिंपल है. पहले आपने Tonekeeper वॉलेट ओपन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे वॉलेट में 524 हैमस्टर टोकन जो है वो हैं. आपने पहले यहाँ से हैमस्टर टोकन को सिलेक्ट कर लेना है. जैसे ही आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपने यहाँ से सेंड बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने डिपॉजिट एड्रेस और नीचे मेमो आईडी पेस्ट करनी है. डिपॉजिट एड्रेस के लिए आपने क्या करना है कि आपने Binance एक्सचेंज ओपन करनी है. इसके बाद आपने यहाँ से वॉलेट्स में जाना है. वॉलेट में जब जाएंगे तो इसके बाद आपने यहाँ से डिपॉजिट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने हैमस्टर सर्च करना है. HMSTR ये इसका सिंबल है. आपने हैमस्टर कॉम्बैट को यहाँ से सिलेक्ट करना है. टोन ब्लॉकचेन सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने मेमो और एड्रेस दोनों वहाँ पर पेस्ट करने हैं, तभी आपको Binance एक्सचेंज में डिपॉजिट मिलेगा. बगैर मेमो को डिपॉजिट नहीं होता. तो पहले हम डिपॉजिट एड्रेस जो है वो कॉपी कर लेते हैं. यहाँ से डिपॉजिट एड्रेस कॉपी करें और Tonekeeper में जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दें. इसके बाद आपने मेमो यहाँ पर पेस्ट करनी है. आप Binance में जाएं, यहाँ से Hamster Kombat की जो मेमो आईडी है वो कॉपी करें और यहाँ पर इसे भी पेस्ट कर दें. दोनों चीज़ें पेस्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है. इसके बाद यहाँ पर आपने अमाउंट टाइप करनी है, जितनी भी अमाउंट आपने ट्रांसफ़र करनी है. जैसे कि मैं यहाँ से 100 जो है वो हैमस्टर टोकन वो ट्रांसफ़र करूँगा. आपने अमाउंट टाइप करनी है, जितनी भी टाइप करना चाहते हैं. इसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है. कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल ओपन हो जाएगी. रिसिपिएंट Binance है, रिसिपिएंट एड्रेस होगा, अमाउंट होगी आपकी. यहाँ पर टोन में 0.021 जो है वो टोन फी लगेगी. इसके बाद आपने क्या करना है कि कन्फर्म एंड सेंड बटन पर क्लिक कर देना है. कन्फर्म एंड सेंड बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने वॉलेट का पास कोड टाइप करना है. पास कोड टाइप करने के बाद आपके वॉलेट से जो हैमस्टर टोकन होंगे वो सक्सेसफुली यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे. देख सकते हैं यहाँ पर मैं पेज रिफ्रेश करूँगा, 524 टोकन है. पेज रिफ्रेश के बाद देख सकते हैं 424 टोकन रह गए हैं. अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं. देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में भी यहाँ पर ये शो हो चुका है. अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं Tonekeeper वॉलेट को. यहाँ से आप ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं. अब हम इसको क्लोज़ करते हैं और Binance एक्सचेंज में जाकर चेक करते हैं कि वहाँ पर हमें टोकन रिसीव हुए हैं या नहीं. आपने यहाँ से इसकी हिस्ट्री में जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 हैमस्टर कॉम्बैट टोकन जो थे वो हमारे Binance एक्सचेंज में सक्सेसफुली डिपॉजिट हो चुके हैं. इस सारे प्रोसेस में आपके तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे. तो इसके बाद आपके जो टोकन होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे. यहाँ देख सकते हैं कि हमारे मेन वॉलेट में भी यहाँ पर जो हैमस्टर टोकन है वो सक्सेसफुल डिपॉजिट हो चुके हैं. इसमें सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि आपने ट्रांसफ़र करते वक्त जो मेमो आईडी है वो लाजमी ऐड करनी है, क्योंकि अगर आपने वो ऐड ना की तो Binance में आपको डिपॉजिट नहीं मिलेगा. तो इस तरह से आप हैमस्टर कॉम्बैट टोकन ट्रांसफ़र कर सकते हैं Tonekeeper से Binance में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.